बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी डटे हुए हैं। इसी कड़ी में धूमल ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मटाणी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर धूमल ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। धूमल ने रामलाल ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव उम्मीदवारों के बीच होता है और आज के समय में रामलाल के संरक्षक वीरभद्र सिंह भी सीएम नहीं है, इसलिए वे सोच समझ कर बयानबाजी दें। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने के लिए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी डटे हुए हैं। इसी कड़ी में धूमल ने हमीरपुर के मटाणी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर धूमल ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया। धूमल ने रामलाल ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव उम्मीदवारों के बीच में ही होता है पर आज के समय में रामलाल के संरक्षक वीरभद्र भी सीएम नहीं है, इसलिए सोच समझ कर बयानबाजी करें। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने गत दिनों ही अनुराग ठाकुर पर बयान दिया था कि अब मुकाबला अनुराग और मेरे बीच है और अब अनुराग के सिर के ऊपर सीएम का हाथ नहीं है क्योंकि धूमल भी सीएम नहीं है और अनुराग के चुनाव धूमल के सीएम होने के कारण जीते हैं। कहना तो हमारे संरक्षक जो वीरभद्र है वो भी सीएम नहीं है, चुनाव कैंडिडेट्स में ही होता है और रामलाल मेरे खिलाफ लड़ चुके हैं, उनको पता क्या रहा चौका लगाएगा। वहीं धूमल ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सत्ती की बच्चवाणी पर कहा कि प्रदेश बीजेपी में पहली बार ऐसी घटना घटी है और सतपाल सत्ती ने माफी मांगने के साथ चुनाव आयोग ने भी अपना फैसला दे दिया है तो अब कांग्रेस को इस मुद्दे को बार बार नहीं भुनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ साथ देश में कई जगह इस तरह के चुनाव आयोग के फैसले आए हैं लेकिन वहाँ पर टिप्पणियाँ बंद हो गई हैं तो प्रदेश में कांग्रेस क्यों टिप्पणियाँ कर रही है। पहली बार ऐसी घटना घटी है और सतपाल सत्ती जी ने उसके लिए खेद प्रकट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो कार्रवाई करनी थी कर ली है। इसके बाद तो जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है वो बिना वजह मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो गलत है, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है तो उन नेताओं के खिलाफ वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, तो सत्ती के खिलाफ यहाँ फजूल में बयानबाजी करने वाले लोगों को गलत बोल रहे हैं। जो होना था वो हो चुका है, उसके लिए वो खेद प्रकट कर चुके हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिलने पर फिजूल की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस एयर स्ट्राइक के लिए सबूत मांग रही है जो कि हास्य पद लग रहा है। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि वे देश को बचाने के लिए एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। हमारे पूजित कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, वो तो लगभग 200-250 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, कोई महागठबंधन बना हुआ है। आपको नजर आती है कोई चीज ऐसे कि मोदी जी के अलावा इस देश को कोई और नेता संभाल सकता है जो आपके सामने नजरों में है? राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं है, नारो प्रधानमंत्री बने नाम की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुत मत मिलेगा क्योंकि बहुत थोड़ी सी सीटों से लड़ रहे हैं, एक तरफ ममता जी और दूसरे में मायावती। ये तीनों ही ऐसे नेता हैं हमारे वो देश को भी संभाल सकते हैं और हमारा देश छोटा मोटा देश नहीं है, ये भारतवर्ष का वर्ल्ड में है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया भारतवर्ष का बहुत बड़ा देश है, इसको संभालने के लिए बहुत बड़ा आदमी बहुत मजबूत आदमी और बहुत मजबूत पार्टी चाहिए। अभी हाल ही आपने देखा। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।